बनाया डब्ल्यू पी का अपन ने शॉकर के लिए आज शोई का, क्योंकि एक्चुअल में शोई की जो ओरिजिनल पैटर्न होगा ना सेम यही हेलमेट होगा, देख लो। वो बाइक का तो इन्होंने वॉशिंग कर दिया है क्योंकि एक पॉलिश है इनके पास, मैं आपको दिखाता हूँ करना भैया। हाय गाइस, तो देख लो अभी अपन चल रहे हैं मार्केट छोटा मोटा काम कराने, जैसे कार्बन फाइबर है पीछे वाला थोड़ा सा पिल ऑफ हो रहा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वो करा लेते हैं, और मुझे बाइक भी वॉश करानी है, काफ़ी गंदी हो रही है, घर पे भी हो सकती है यार, बट अभी क्या टाइम मिल नहीं रहा है, और एक्चुअली मेरे व्लॉग भी इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि अभी एक दो दिन तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा डिले हो गया था। वैसे मेरे पास व्लॉग्स हैं बट मैं एडिट करना रह गया था मेरा उसको, तो लास्ट आपने एग्जॉस्ट का साउंड नोट सुना था उसमें, आपको अच्छा लगा हो काश वो व्लॉग, और काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। मेरे पास फ़ोन भी आए थे, मतलब कुछ अननोन के, उन्होंने पता नहीं कहाँ से नंबर लिए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि भैया कैसे करा आपने, तो मैंने उन्हें बताया था कि देखो वीडियो के अंदर कैसे हो रहा था, उन्होंने बोला था कि वो पत्ती जो है वो आपने कैसे बनाई है, तो देखो मैं आपको वो बता देता हूँ, वो आपको क्या करना है उसके लिए, आपने देखे होंगे जो टीन होते हैं ना, जो अपने घर पे जो चद्दर लगते हैं जो टीन होते हैं, उनसे आप बना सकते हैं, उनको आप काट करके शेप दे करके बना सकते हैं आप, वो बहुत इजीली बन जाएगा। और वो मैंने तो क्या कि काफ़ी पहले से मतलब मैंने दो या तीन बार मैंने उसको पहले यूज़ करा आप लोगों के लिए, उसके बाद मैंने आपको बताया, इसलिए वो थोड़ा ब्लैक हो गया था, तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था, बाकी काफ़ी बढ़िया हुआ कर रहा, आप देखो साउंड बढ़िया चल रहा है। अरे अरे गाय डर जाती, खैर ऐसे जानवर के सामने जाके रेव नहीं करना चाहिए, अभी खैर मुझसे गलती से हो गया थोड़ा। और गाइस मैंने एक और चीज़ करी है कि आप अपने हेलमेट के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यार, मतलब कि मैंने एक ऐसी चीज़ निकाली है ना, मैं आपको इसका ब्लॉग ज़रूर दूंगा, देखना ज़रूर मेरे इस ब्लॉग को। और लिटरली मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट जो 10,000 के नीचे से जितनी भी प्राइस आ रही है ना, उन सब हेलमेट को बीट करता है ये पूरा, एक तरीके से वही वाली बात हो गई कि हाँ R15 155 cc की होकर के 200-250 cc को बीट मारती है यार, वो आपको पता ही है। खैर चलो भाई आ गए हैं विमल भैया की शॉप पे, हम यहाँ पर रुकते हैं, बैठम बाटी करते हैं थोड़ी। कैसे हो विमल भैया? बढ़िया एकदम। और भैया जी मज़े में? मैं कह रहा था वही जो आपको बताया फ़ोन पे, पीछे वाला एक तो देखो पील ऑफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा, नीचे की तरफ थोड़ा क्या अलग दिख रहा है यार उसको, थोड़ा नहीं नहीं नीचे से भी, मैं सोच रहा हूँ उसको हटा के अब अपन कुछ नया करते ना यार पीछे, है ना। तो गाइस देख लो इसके अंदर मैं जो आपको बता रहा था, थोड़ा पील ऑफ हो रहा था, और मतलब जो मैंने पूरा कराया था ना कार्बन फाइबर में सब कुछ अच्छा था, बट ये वाला थोड़ा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब पहले आप लुक देख लो गाड़ी का अभी कैसी है, बाद में कैसी हो जानी है, और मैं शॉकर में भी कुछ सोच रहा था, तो देखते हैं अभी। जो हेलमेट के ऊपर आपको नाम दिख रहा है एरोनॉटिक्स, तो खैर ये तो खैर रियल में एरोनॉटिक्स ही है, बट मैं अब इसके अंदर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाए शोई का, क्योंकि एक्चुअल में शोई की जो ओरिजिनल पैटर्न होता है ना सेम यही हेलमेट होता है, तो अब मैंने इसको कुछ बना भी इस तरीके से दिया, वो उसका मैं आपको व्लॉग दूंगा जैसे मैंने आपको बताया था अभी राइड करते हुए जब मैं आ रहा था, और मैंने बाइक के ऊपर थोड़ा सा छोटा मोटा चेंज कराया है, जैसे ये देख लो यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर, और यहाँ पर जो सही नहीं लग रहा था उसको भी मैंने क्लीन करवा दिया पूरा। यहाँ पर आ रहा है अपने यूट्यूब का थोड़ा सा नेम लोगो, देख लो ये बन रहा है, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोगो लगाएंगे अभी हम काफ़ी अच्छे से, वो भी अपने हेलमेट पे, और मैंने कहाँ पर क्या सोचा है टैंक पर लगाने के लिए वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हेलमेट के लिए मैंने शोई का ये वाला लोगो बनवाया है, भाई ने देखो इसको बड़े प्यार से बनाया भाई, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ पर लगेगा, देख लो ये लगेगा इस जगह जहाँ पर एरोनॉटिक्स लिख रखा है, बिल्कुल इसको छुपाते हैं और एकदम बीच में है ना, बिल्कुल सीधा लगाना है एकदम, देख लो ये बनाया डब्ल्यू पी का अपन ने शॉकर के लिए,
लोगो, तो वैसे WP के है तो नहीं, बट यार जब गाड़ी ऐसी बन रखी है तो खैर इतना कोई सोचेगा नहीं, तो यहाँ पर लगवाएंगे अपन, देखते कैसा लगता है। गाइस व्यू देखो आप, मतलब कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, और अभी मैं आपको इसका सिनेमेटिक शूट करके दूंगा बाइक का, जो मैंने अभी कराया था कल। छोटी मोटी चीज़ें, बट जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वही बहुत हाईलाइट करती है पूरी बाइक को। आपको शायद पूरी डिफरेंट लगेगी अभी दिखने में, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या करवाया था मैंने। वैसे आपको वीडियो से आइडिया हो गया होगा, बट जब भी आप इसके सिनेमेटिक्स इंजॉय करना। और ये अगले दिन मैंने कराए थे बाइक वॉश कराने के बाद, तो ठीक है आपको सिनेमेटिक्स दिखाता हूँ, तो आप देखो। तो गाइस ये देख लो कंप्लीट हो गया है वैसे पूरा। ये यहाँ पर मैंने YouTube का लोगो लगवाया है, और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको पूरा करवा लिया है बॉर्डर के साथ, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और शॉकर के यहाँ पर WP का और एक ये शोई का, मेरे हेलमेट पर भी यही है, मैं आपको हेलमेट पर भी दिखाऊँगा। जैसे आपको सिनेमेटिक्स में दिख जाएगा, वो आप देख चुके होंगे, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और बाकी अब निकलते हैं अपन विमल भैया की शॉप से, सब कुछ आप ही के सामने। बाकी हमारा ये टैंक वाला लोगो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपना लोगो और इन सब का काम कंप्लीट हो गया है, छोटे मोटे जो डेकल टैटू लगाने थे मुझे। अब हम चलते हैं बाइक वॉश कराने के लिए, और अभी बाइक वॉश कराने जाएंगे। खैर मैंने बात नहीं करी, क्या पता वहाँ पर भीड़ हो, अगर होगी तो नहीं हो पाएगी। तो देख लो बाइक वॉशिंग स्टार्ट हो गई है, और मैं जस्ट अभी यहाँ पर पहुँचा था, तो हो सकता है कि अभी सिनेमेटिक्स में ले भी नहीं पाऊँ शायद, क्योंकि शाम होने में ही है। देखते हैं अभी कैसा क्या रहता है, बिल्कुल बढ़िया एकदम मज़ा आ जाना चाहिए बस। यार देखो अभी यहाँ पर मतलब वॉशिंग कराना है, कितना बढ़िया लगता है अभी, मतलब कोई ज़्यादा कोई भीड़ भड़क का नहीं है, सामने से रोड बहती हुई दिख रही है, यहाँ पर बाइक वॉश हो रही है, एकदम जो बोलते हैं ना एकदम प्यारी सी वाइब आती है। जब अपन चाय पीने जाते कोई ऐसी हिल टाउन जैसी जगह पर, वह भाई वैसी वाइब आ रही है। वो बाइक का तो इन्होंने वॉशिंग कर दिया है, अब इसको पूरा जो ये वेट हो गई थी इसे सुखाया जा रहा है भाई। अब देखिए टैटू वेटू कितने बढ़िया लग रहे हैं एकदम, यार WP के। और देखो मैंने यहाँ पर स्टोरी का जैसे बनवाया था, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और मतलब यहाँ पर जो वॉशिंग है ना भाई, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं यहाँ पर, सच बता रहा हूँ। मतलब एक जो होता है ना लेवल जो होता है वो दिखता है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर कपड़े वपड़े बांधे क्योंकि एक पॉलिश है इनके पास, मैं आपको दिखाता हूँ। करना भैया देखो, PU कोटिंग हो रही है। तो भाई ये वाली शॉप है वैशाली नगर चौराहे रिलायंस के सामने है, आप देख सकते हैं। मेन तो ये बीकानेर वाला अपन सब जानते हैं, पूरे अजमेर में जितने हैं, तो वैशाली नगर जब जाते हैं तो अपने उल्टे हाथ की तरफ ही पड़ता है सतनाम सर्विस सेंटर के नाम से। तो यहाँ पर आप आओ, और बाकी आपने बाइक के अंदर देख लिया किस तरीके से क्लीनिंग व्लीनिंग होती है, बहुत मतलब मैं तो ये बताऊँगा काफ़ी बढ़िया तरीके से। अभी एक्चुअली मेरा मडगार्ड भी टूट गया था, तो उन भैया ने लगाया था वापस अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देख लो पूरा कंप्लीट हो गया है, और भाई जो शाइनिंग देख लो ना आप, हर जगह पूरी पूरी शाइन लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी से मैं अभी लेकर के आया हूँ। तो नेक्स्ट लेवल जो होती है ना, इसे कहते हैं मतलब वॉशिंग, बहुत अच्छी वॉशिंग करी है। और जैसे मैंने आपको इसका एड्रेस दे दिया है, तो यहाँ पर आप आते रहना और सरदार जी आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पर, तो इनके भी जाने का टाइम हो ही गया एक्चुअली। तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपना जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है प्लीज़, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मैं लाइक के लिए आपको बोलूँगा नहीं, बट प्लीज़ आप समझ जाओ यार अपनी फीलिंग। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।
और ये रहा हमारा चैनल, तो देखते रहने में। बाय बाय।